वर्तमान जीवन में रासायनिक आहार के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही है। देखा जाए तो हम हर संभव खुद की जान बचाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन रासायनिक खाद के उपयोग से उगा हुआ अनाज कुछ स्लो पॉइजन जैसा हमारे शरीर में फैल रहा है, जिसके चलते प्रसिद्ध स्वास्थ्यज्ञ और मशहूर वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर खादर वली द्वारा पत्र परिषद का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने पारंपरिक अनाज के उपयोग का प्रतिपादन जनता से किया। आयोजित पत्र परिषद में डॉक्टर खादर वली ने बताया कि हम जो अनाज पौष्टिक समझकर खा रहे हैं, दरअसल वो हमारे लिए स्लो पॉइजन का काम कर रहा है, जिससे मधुमेह, बीपी जैसे दीर्घकालीन बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है। स्वस्थ अनाज के प्रचार प्रसार हेतु संपूर्ण देश भर में सभा तो कहीं पत्र परिषद के माध्यम से जनता को जागरूक किया जा रहा है, वो ये काम पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। गौरतलब है कि डॉक्टर खादर वली ने राड़ा, फॉक्सलेट मिलेट, सावा, बायोनॉट मिलेट, कोदरा, कोडो मिलेट, कुटकी मिलेट, छोटी कांगनी, बाउंटो मिलेट इनका इजाद किया है, जिसके कारण उन्हें मिलेट मैन भी कहा जाता है। हाँ, हमारा ख्वाहिश यही है कि आप सब लोग, हमारा भारत देश लोगों को हमारा देसी आहार, खोया हुआ ये दाना से हमारा स्वास्थ्य हम वापस ला सकते हैं, रोग मुक्त समाज को हम निर्माण कर सकते हैं। तो ये सफेद चावल, गेहूं और ये चीनी कॉर्पोरेट फूड है, इंडस्ट्रियल फूड है, उससे हम दूर रखने से हमारा तबीयत हम वापस ला सकते हैं। वो तो हमारा जिम्मेदारी बनता है, हर नायक, हर पॉलिसी मेकर, हर एक्सपर्ट should work towards making it available for the common man. तो अभी अभी हम ये प्रयास कर रहे हैं, सब जगह पे हम उगा सकते हैं, हमारा policies उसी direction में जाना है। Non-irrigated farming को अब हम focus देना है, हर जगह जगह पे जाके हम ये lecture series में बात कर रहे हैं और सब जगह पे हम ये दाना का विशेष तत्व औषधि गुण के लिए हम अभी तक 5,000 से ज़्यादा सभा कार्यक्रम किए हैं, हर जगह पे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम घूम रहे हैं, नागपुर आया है इस दिन। NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अजित कुर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।